नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एयर सन्स गिफ्ट एंड पेंटिंग में। और इस बार जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ ये विनाइल प्रिंटिंग पर लेकर आया हूँ। तो जैसा कि आप डिज़ाइन देख रहे होंगे, ये जो आपको दिख रहा होगा पूरा ब्लैक वेक्टर में, तो आज ये विनाइल प्रिंट में करने वाला हूँ ब्लैक कलर की टी शर्ट पर। तो आज मुझे जो कस्टमर ने डिमांड करा वो ये करा कि उन्हें दो कलर में विनाइल प्रिंट चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये कस्टमर ने फोटो सेंड कराया मेरे को, तो उनको वाइट कलर में ये डिज़ाइन चाहिए और येलो कलर में कैप चाहिए। तो यही मैं आज उनके डिमांड पे ये प्रिंट करने वाला हूँ। तो आपको भी बताऊंगा, अगर आपके पास ऐसा डिमांड आता है तो आप ये कैसे बनाएं। तो सबसे पहले आप अब ये जानना चाहूँगा कि मैंने ये इमेज कैसे बनाया, तो इसका भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने कोरल ओपन करा, उसके बाद मैंने ये इमेज ओपन करा। फिर जब हम इस पर राइट क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से ये कुछ ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ आप क्विक ट्रेस भी कर सकते हैं और आउटलाइन ट्रेस। तो क्विक ट्रेस से ये कि क्विक ट्रेस हो जाएगा, लेकिन जो क्वालिटी प्रॉपर बन के आता है वो बनकर नहीं आएगा। आप देख सकते हैं चेहरा गायब हो गया है, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और ये आपको दोबारा से एक और बार दिखा देता हूँ। तो वीडियो थोड़ा लंबा जाने वाला है, तो आप वीडियो को स्किप ना करें। कोई भी चीज़ बीच में छूट गया तो आप सोचेंगे कि कैसे हो गया, तो आप वीडियो को पूरा देखें। तो मैं दोबारा से इस पर राइट क्लिक करता हूँ, आउटलाइन ट्रेस, हाई क्वालिटी ट्रेस, यहाँ इसको हम ओके कर देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं लोडिंग हो रहा है, ट्रेस हो चुका है हमारी चीज़ें ये। तो आप देख सकते हैं दोनों तरफ ये, यहाँ ये पहले ये इमेज था, तो ट्रेस होने के बाद क्वालिटी कितना इंक्रीज हो गया है। तो इस प्रकार से ये आपको कर लेना। तो ये हमारा ओके हो गया, इसको ओके कर देते हैं और ये साइड में कर देंगे। तो मैं अगर आपको पूरी प्रॉपर डिटेल बताऊँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। ये मैंने स्क्वायर बनाया था, इसको कंट्रोल एंड करके बैक ले गया और यहाँ ये आप देख सकते हैं ये इस प्रकार से कुछ लुक आ रहा है। तो आपको क्या करना है, पहले तो सबसे पहले ये सब कुछ रिमूव कर देना है। बैकग्राउंड में जितना भी ब्लैक ब्लैक एरिया, ये सारा आपको डिलीट दबा कर हटा देना है। जब आप डिलीट दबा के हटा देंगे तो पूरा ये सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से राइट क्लिक करना है, फिर लेफ्ट क्लिक करना है। तो पूरा ये आप देख रहे हैं अभी कुछ नहीं दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, जो मैंने आपको बताया, मैं कंट्रोल जेड करके बता देता हूँ दोबारा। ये जितनी ब्लैक ब्लैक चीज़ें ये सारी आपको हटा देनी है। हटाने के बाद कुछ आपका ऐसा इंटरफेस आएगा, तो ये आपको बना लेना है। तो ये मैं आपको अपने दूसरे डेस्कटॉप पर ले चलता हूँ, जहाँ मेरा फ्लेक्सी प्रो है ऐप है। तो ये मैं दूसरे डेस्कटॉप पर आ गया हूँ, ये फ्लेक्सी प्रो ऐप है, जैसा कि आप देख सकते हैं फ्लेक्सी साइन प्रो है ये। तो यहाँ आप देख रहे होंगे ये हमारा ओरिजिनल इमेज है, जो मैंने इस कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करा है, ये वाला। तो आप सोच रहे होंगे अब ये कैसे आया, तो इसका भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ आपको ये दिख रहा होगा जेड, जिसको आपको दिखाई दे रहा होगा ऑटो ट्रेस। ऑटो ट्रेस पर क्लिक करना है, टॉलरेंस यहाँ 50 लिखा आता है, आपको 100 कर देना है टॉलरेंस, और फिर आपको ये सिलेक्ट कर देना है। तो नीचे ये आपको लोडिंग दिखाई दे रहा होगा, तो ये भी हमारा ट्रेस हो गया है। तो इस प्रकार से ये मेरा बनकर आ गया है। तो मैं अब इसको हटा देता हूँ डिलीट दबाकर, और ये भी हटा देता हूँ क्योंकि ट्रेस मेरा ऑलरेडी उसमें रखा हुआ है। तो ये आउटर लाइन है, ये भी मैं हटा देता हूँ, और ये पूरा डिज़ाइन है, इसको मैं कर देता हूँ ग्रुप। तो पूरा ये सिलेक्ट कर लेंगे, राइट क्लिक करा, कंबाइन में गए, ग्रुप कर दिया। तो जो कस्टमर ने डिमांड कराया वो A4 साइज़ का कराया, तो A4 के लिए मैं पहले इसका साइज़ थोड़ा कम कर देता हूँ। यहाँ आपको टिक ज़रूर कर देना है, जिससे ये बराबर हाइट इसकी उसके अकॉर्डिंग कम होती जाए। तो मैं कम कर देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ 12 इंच। तो ये 12 इंच हो गया है, थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, कस्टमर ने जो डिमांड करा है वो पगड़ी को येलो चाहते हैं, तो इसको हम अनग्रुप करते हैं। और जो पगड़ी वगैरह हैं इनको कर देते हैं अलग। तो ये मैं एक बार पूरा साइड में कर देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ये इंटरफेस आएगा। तो ये जो पूरा है ये मैं वाइट विनाइल पर काटूंगा, तो चलिए अब इसको कटिंग कमांड दे देते हैं। तो यहाँ एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, ये मेरा आपको प्लॉटर भी दिखा देता हूँ। ये मेरा स्काई कट का C24 प्लॉटर है। तो ये वाइट विनाइल मैंने लगा रखा है। आपको जो फोर्स और स्पीड रखना है वो भी आपको बता देता हूँ। 25 आपको स्पीड रखना है, 13 स्पीड रखना है, और जो फोर्स है वो 25 है।
तो अभी आप देख रहे हैं कि ये प्रॉपर पूरा ले ले रहा है, ये पगड़ी भी ले रहा है, तो ये हमें नहीं लेना है इसमें प्रिंट में। तो क्या करेंगे हम, सिर्फ ये इतना एरिया सेलेक्ट करेंगे और एक और बार कटिंग मार्क देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि सिर्फ ये इतना एरिया ही इन्होंने कटिंग के लिए लिया है प्लॉटर में, मतलब कमांड दिया है। एक बार चेक कर लेते हैं प्लॉटर को। तो प्लॉटर ने भी हमें बता दिया है कि इतने एरिया में कटिंग आएगा, तो ठीक है। अब हम इसको देते हैं प्रिंट कमांड, कटिंग कमांड सॉरी। तो हम कर देते हैं सेंड। प्लॉटर ने भी कमांड रिसीव कर लिया है तो कटिंग कर रहा है। तो मैं वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पील करने के बाद कुछ इस प्रकार से ये दिखाई देगा। तो ये दोनों मैंने अलग अलग काटे हैं, तो आपको अलग ही पता चल रहा है। जैसे ये मैंने येलो अलग काटा है और ये वाइट अलग काटा है। तो आपको एक बार पीछे का भी दिखा देता हूँ। तो इस प्रकार से ये अलग काट कर इसको मैंने ऊपर की तरफ रख दिया है, जिससे कि क्या है, जब हम टी शर्ट पर प्रिंट करेंगे तो काफ़ी आसानी हो प्रिंट करने में। चलिए अब हम ले चलते हैं इसको टी शर्ट के ऊपर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम हीट प्रेस मशीन के पास आ गए हैं और ये टी शर्ट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मिक्स कॉटन टी शर्ट है, तो इसके ऊपर अब मैं ये अपना प्रिंट रख देता हूँ। जो प्रिंट है आपको इस प्रकार से रखना है कि एकदम मिडिल में भी आए और काफ़ी अच्छा भी लगे। तो अभी क्या है, मैंने फ्लैश ऑन कर दिया, जिस वजह से आपको थोड़ा ये लग रहा होगा कि रोशनी टाइप का दिख रहा है। तो मैं भी इसको मिडिल में सेट करके फिर आपको दिखाता हूँ ये कैसे करना है। तो ये मैंने मिडिल में सेट कर दिया है। बाकी का मैं आपको मशीन का टेम्परेचर का भी बता देता हूँ। तो जो मशीन का आपको मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर रखना है वो 300 रखना है। तो इधर आप सेट कर सकते हैं, और जो टाइमिंग रहेगा वो 15 सेकंड रहेगा। तो मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, 300 टेम्परेचर होने पर इसको मैं स्टार्ट कर दूंगा। तो 15 सेकंड का टाइमिंग और टेम्परेचर जो होगा वो 300 मिनिमम और मैक्सिमम। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब दो कलर विनाइल का लुक है तो बहुत ज़्यादा बेटर आ रहा है। तो आप भी इस प्रकार से ये विनाइल का बना सकते हैं टी शर्ट्स वगैरह, और जब ये प्रिंट हो जाएगा तो लुक और ज़्यादा अच्छा आएगा, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो टेम्परेचर भी 300 हो गया, तो हम इसको हीट प्रेस कर देते हैं ये 15 सेकंड के लिए। तो मेरा टेम्परेचर पहले से ही थोड़ा ज़्यादा सेट है, इस वजह से ये टाइमिंग नहीं चालू होगा। तो आपको वॉच के अकॉर्डिंग 15 सेकंड होने पर हटा देना है। तो 15 सेकंड हो गए, अब इसको हम रख देते हैं थोड़ा टेबल पे ठंडा होने के लिए। तो ये जब तक ठंडा हो रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर आपको सब्लिमेशन के बारे में और जानना है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर। अगर कोई दिक्कत भी आता है तो उसके लिए भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो अब मैं आपको ये पील ऑफ करने के बाद बाकी का वीडियो दिखाऊंगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा फाइनल डिज़ाइन है जो प्रॉपर हीट प्रेस करने के बाद, ये देखिए। प्रिंटिंग क्वालिटी काफ़ी बेटर रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं विनाइल का। तो इसका एक कटकर C24 प्लॉटर काफ़ी अच्छा कटिंग भी करता है ये। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।